मुझे पबजी और बीजीएमआई में खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। और उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप में भी नहीं था और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, और रहेगी भी क्यों, ना ही मैं किसी से बात करता था और ना ही किसी से मतलब रखता। लेकिन फिर एक लड़की मुझे मिली, वो मेरे कॉलेज की थी, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर बताऊंगा, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसको ये भी बात पता थी कि मैं पबजी खेलता हूँ और मुझे पबजी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन उस टाइम पे उस चीज से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम लोग क्लोज आने लग गए एक दूसरे के, और फिर एक दिन हम रिलेशनशिप में आ गए। स्टार्टिंग में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप गहरा होते जाने लगा ना, उसको मेरे से प्रॉब्लम होने लगी, उसको मेरे गेम से प्रॉब्लम होने लगी। पढ़ाई करते करते और गेम खेलते खेलते जितना मुझे टाइम मिलता था मैं उसको देता था, लेकिन फिर भी उसको उस चीज से प्रॉब्लम होने लगी। और फिर एक दिन उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हें गेम इम्पोर्टेंट है या फिर मैं इम्पोर्टेंट। अभी मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था, मैं गेम को कैसे ही चॉइस कर सकता था। ऑब्वियसली बात है, मैंने उसे ही चॉइस किया, और आज उस चीज को 2 साल हो गए पूरे। वो तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन ये गेम मेरे साथ आज तक है।